मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संत हैं, कल हमने भी दिया था सर, आज भी दिया, और संत के साथ साथ योगी भी हैं, और योग का मतलब है सबको जोड़ना, और अगर सबको जोड़ लिए होते वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, मैंने कई बार उनकी तारीफ भी कर चुके हैं, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ईमानदार हैं, मेहनती हैं, और मेहनत के साथ साथ उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। साथियों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहां बैठते और ये लोग वहां बैठते, और मैं सभी पक्षों के सभी मान्य सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया, और भी अन्य मान्य सदस्य भी प्रेरित करें, उनके विकास के सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। 1 करोड़ युवाओं को भी वितरित किया जा रहा है, हर स्नातक प्रास्नातक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है, 12.5 लाख युवाओं को अब तक दिया जा चुका है। ने बहुत लंबा भाषण दिया और बहुत सारी बातें उसमें आ गई हैं, लेकिन जो संशोधन जो मैंने अपने भाषण में कहा उन बातों को अभी भी छुआ नहीं गया, और इसके दौरान नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की, अभी तक तो मेरे चाचा थे लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं, और जो जो स्पष्टीकरण जो आंकड़े अध्यक्ष जी दिए गए हैं कोविड चार के बारे में स्पष्टीकरण मत पूछे कि किसके हैं, मैं उसी में पूछ रहा हूँ, उसी में पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, अभी कोरोना को लेकर के अध्यक्ष जी आंकड़े दिए गए मुझे, लेकिन नेता सदन ने एक आंकड़ा नहीं दिया कि जिस समय कोरोना सबको हो रहा, नेता सदन को भी हुआ, कोरोना मुझे भी हुआ, मैंने टीका नहीं लगवाया लेकिन उन्होंने वैक्सीन लगवाया उसके बाद भी हो गया,